कारगिल विजय जयंती को लेकर कारगिल से 12 वर्षीय अरब भारद्वाज जो हैं वो कारगिल जयंती पर दिल्ली की तरफ निकले हैं और दिल्ली जाते समय वो अभी जालंधर पहुंचे हैं। 26 तारीख को कारगिल जयंती पर उन्होंने अपनी साइकिल पर यात्रा शुरू की थी जो 8 तारीख को दिल्ली में जाके ख़त्म होगी। फिलहाल अभी तस्वीरें आपको दिखा दें कि अरब भारद्वाज और उनके पिता और उनके दादाजी सभी जो हैं इस समय जालंधर के BSF चौक पहुंचे हैं। BSF हेडक्वार्टर के बिल्कुल हम बाहर हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साइकिल पर उन्होंने कारगिल के जवान हुए शहीदों के लिए कारगिल रजत विजय जयंती पर जो ये यात्रा शुरू की थी जो दिल्ली जाकर ख़त्म होगी। इस समय हमारे साथ आरव हैं, उनसे बात करेंगे। आरव, आप कारगिल से साइकिल पर यात्रा पर निकले हैं तो कितने दिन हो गए हैं अभी आपको यात्रा करते हुए? अभी मुझे 7 दिन हो चुके हैं और ये मेरा 7वां दिन है। कैसे आपको विचार आया कि इतनी बड़ी जो जर्नी आप करने निकले हो, कैसे ये विचार आया और जो ये इस समय आप जालंधर पहुंचे हो तो अभी आपका आगे क्या प्लान रहेगा? पहले तो मेरा इस यात्रा करने का आइडिया उन शहीदों से आया और मैं उन शहीदों को ऑनर करना चाहता हूँ जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो अभी आप कितने किलोमीटर जो यात्रा कर चुके हो? अभी मैं 700 से भी अधिक किलोमीटर तक साइकिल चला चुका हूँ और मेरी आधी यात्रा हो चुकी है। तो अभी आप जालंधर पहुँचे हो तो यहाँ से फिर आगे कहाँ निकलोगे और किस रूट से होते हुए आप दिल्ली पहुँचोगे? हम चंडीगढ़ से होते हुए करनाल, रोहतक और फिर दिल्ली पहुँचेंगे। कैसे ये मन में विचार आया कि ऐसी यात्रा की जानी चाहिए साइकिल पर, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, हालांकि आपके जो पिता हैं या आपके दादाजी बिल्कुल आपके साथ हैं, तो इसमें जो खर्च आ रहा है वो कौन कर रहा है और कैसे ये सारा करवाया जा रहा है साइकिल यात्रा को? मैं बस उन शहीदों को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो अभी आपकी जो एज है बहुत कम है, बहुत कम एज में जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद की ओर निकलते हैं। आप जो एक मोटिवेट करने के लिए और जो शहीद हुए जवानों के लिए आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी कुछ आई हैं अभी तक रास्ते में? हमारे पहले दिन पर बहुत तेज़ी से हमारे तरफ हवाएं आ रही थी, ढलान के समय भी नीचे बहुत गहरी खाई थी और रोड भी बहुत ख़राब थे तो हमें कठिनाइयां हो रही थी। बीच बीच में कई जगहों पे हमारी सांसें भी फूल रही थी। तो लोग, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर जो खेल कूद ज़्यादा करते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो आपको कैसे विचार आया कि या किसी से बातचीत हुई कि जो शहीद हुए हैं कारगिल में जवान उनके लिए ये साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए? 2 साल पहले भी मैंने एक यात्रा करी थी साइकिल पर जो INA मेमोरियल मोयरांग से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक चली थी। ये यात्रा 2612 किलोमीटर की थी और ये यात्रा मैंने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए करी थी। तो अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रैक्टिस के दौरान स्कूल शुरू हो गए थे तो स्कूल से आने के पश्चात मैं आधे घंटे के बाद ही नीचे चला जाता था और 1-1.5 घंटे तक साइकिल चलाकर आता था। तो अभी जैसे आप कारगिल से निकले हो तो जो फौज के जवान हैं रास्ते में उनसे मुलाकात की, अटारी भी आप गए थे, वहाँ पे आपने रिटेल सेरेमनी देखी है? हाँ, मैंने अटारी बॉर्डर पर जो परेड होती है वो देखी थी और वो देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्मी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा था। तो अभी आप जालंधर के BSF हेडक्वार्टर में जो तैनात है जवान उनसे भी मिले हो, क्या बातचीत हुई? वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भारत के शहीद हुए जवानों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ।
बच्चों को कोई संदेश देना चाहोगे, जैसे आप इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हो, जा रहे हो साइकिल पे यात्रा निकाल रहे हो, अभी आपको काफ़ी दिन लगेंगे, 8 तारीख को आपकी ये यात्रा ख़त्म होगी, तो इसमें जो और पड़ाव आएंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है आपके माता पिता और आपके दादाजी साथ में हैं, तो अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, या जैसे रूटीन चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा? अभी मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होंगी, जैसे बहुत गर्मी और बारिशें, बाकी मैं संभाल सकता हूँ। बिल्कुल, आरफ के पिता भी साथ में हैं। कैसे सर ये ख्याल आया बच्चे को, क्योंकि इन्होंने बताया कि 2 साल पहले भी ये यात्रा कर चुके हैं, तो ये मोटिवेट कैसे किया जा रहा है इनको कि ये खुद जो बातचीत करके यात्रा निकाल रहे हैं, कि या आपसे बातचीत हुई है या किसी ने कहा है कि नहीं ऐसा आपको करना चाहिए? सर जो इसने आरभ ने जो पहली यात्रा की थी आज से 2 साल पहले, चूँकि मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, तो मोस्टली जो आरभ है वो मेरे फादर के साथ ही रहा है शुरू से, तो मेरे फादर जो हैं उसे फ्रीडम फाइटर्स की और बाकी काफ़ी कहानियां सुनाया करते थे, तो आरभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो आज से 2.5 साल पहले जब हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम स्टैचू लगाई थी इंडिया गेट पे, तो उस टाइम वो प्रोग्राम आरभ ने देखा था, और उस टाइम से आरभ का मन था कि कुछ डिफरेंट करे, कुछ सेपरेट करे इस चीज़ को, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को और 125वीं जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस समय ये पिताजी का और आरभ का प्लान था। पहले प्लान हुआ कि हम घर से साइकिल चला के नेशनल वॉर मेमोरियल जाएँ, फिर हुआ नहीं है तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, फिर प्लान किया कि क्यों ना हम जो उनकी बर्थ प्लेस है वहाँ से शुरू करें, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बर्थ डेट तो निकल चुकी थी, तो इसलिए हमने यात्रा 14 अप्रैल को वहाँ से शुरू की, चूँकि 14 अप्रैल में सबसे पहली बार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA थी, उन्होंने INA का ट्राईकलर सबसे पहले वहाँ पे होइस्ट किया था, तो वो यात्रा हमारी बहुत अच्छी संपूर्ण अच्छी रही और लोगों से आरभ को काफ़ी आशीर्वाद मिला, काफ़ी प्यार मिला। तो उसके बाद से ही हम सोच रहे थे कि कुछ अलग करना है और कुछ सेपरेट करना है, क्योंकि सब हमसे पूछते थे, आरभ से पूछते थे कि बेटा आपने ऑलरेडी कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, अब अगली चीज़ आप क्या करना चाहोगे? तो हमने ये चीज़ किसी को डिस्क्लोज नहीं की। आरभ के मन में ऑलरेडी ये बात थी कि चूँकि ऑलरेडी जो नेक्स्ट ओकेजन था वो कारगिल की रजत जयंती था, तो हम 2 साल से लगातार 1-1.5 घंटा नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज से 3 महीने पहले हमने अपनी प्रैक्टिस जो इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज़ कर दी थी, तो आरभ को मैंने थोड़ा योगा के साथ, थोड़ा एंकल वेट्स के साथ, पहाड़ों पर चढ़ाई के हिसाब से, लो ऑक्सीजन के हिसाब से तैयारी शुरू कराई। तो बेसिकली जो ये प्लान है, ये जो दोनों प्लान है, ये आरभ के और एक तरह से देखा जाए तो मेरे पिताजी, इन दोनों के ही बनते थे, क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं दादा पोता मोस्टली। है अगर बात की जाए तो रास्ते में कैसी कठिनाइयाँ आई, या अगर मैनेज करने की बात, जो खर्च है वो कैसे मैनेज किए, या किसी का सहयोग मिला? सर ये है कि ये हम किसी NGO वगैरह से नहीं जुड़े हैं, ये हमारी खुद की ही अपने ओन एक्सपेंस पे है, ओन पर्सनल उस पे है। हाँ हमारे कुछ जगह पे ऐसे हैं जैसे जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, तो कहीं पे वो अरेंजमेंट कर देते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली देन वी पे फॉर दैट। तो बाकी बिल्कुल, जो इस समय आरभ के दादाजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कहना है उनका। सर आरभ से भी बात हुई, उनके पिता से भी हुई, कह रहे कि मोस्टली जो आपकी ही उनसे बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है और आपसे ही बातचीत होती रहती है, तो कैसे ख्याल आया कि इस बार जो लंबी यात्रा निकालनी चाहिए वो भी साइकिल पर, क्योंकि बच्चे को लेकर अगर बात करें तो बच्चे काफ़ी थक भी जाते हैं, कठिनाइयाँ बहुत होती हैं? नहीं, ये मैं जब ये बहुत छोटा था तब से ये मेरे साथ रहता है, इवन मैं 3.5 साल की उम्र में मेरे साथ ये बद्रीनाथ तक चला गया था, तो उसके बाद मैं इसके लिए कुछ किताबें ला के दे देता, महापुरुषों की किताबें, नेताजी की, शास्त्री जी की, नेहरू जी की, तो ये उनको पढ़ता था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई नेताजी मोर। उसके बाद हमने नेताजी की जब वो होलोग्राम स्टैचू आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लगाई थी इंडिया गेट पे, तो वो प्रोग्राम ने दोनों ने साथ देखा, और उसके बाद ये इससे डिस्कस हुआ कि भाई बहुत बच्चे साइकिल यात्रा करते हैं और भी ऐसे काम करते हैं जो कि पढ़ाई से हट कर हैं, तो इससे डिस्कस हुआ, तो ये एग्री हो गया, बोला कि हम आई विल गो फॉर ए साइकिल यात्रा, तो वो साइकिल यात्रा उस समय प्लान हुई। उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर सम ओकेजन, इम्पॉर्टेंट ओकेजन, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द रिसेंट पास दैट वी वन द कारगिल वार, और उसमें जो कारगिल की जो वार की रजत जयंती जो हमारी 26 जुलाई की थी, तो उसमें फिर ये सोचा गया, डिस्कस करके प्लान किया गया कि भाई क्यों ना शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी जाए, जो इसमें 500 से ज़्यादा हमारे जवान और ऑफिसर शहीद हुए थे, और उसमें से लगभग मोर देन 70 हरियाणा से भी रहे, मेरे गांव और मेरे डिस्ट्रिक्ट के भी कई शहीद हैं इसमें, तो फिर ये उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये साइकिल यात्रा प्लान की गई। फिर इसको डिस्कस किया गया इसके फादर डॉक्टर अतुल से,
जब सब लोग एग्री हुए तो तभी फिर ये आर्मी से भी हमने परमिशन इसमें मांगी, तो आर्मी का इसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है, योगदान है, उन्होंने हमारी इस यात्रा को अप्रूव किया एंड दे आर सपोर्टिंग दिस यात्रा, वी आर ग्रेटफुल टू। देखा भी हमने कि पुलिस भी आपको जो पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए थे, जहाँ भी जा रहे हैं आपको पुलिस की सिक्योरिटी भी मिल रही है। हमने हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को और DGP साहब को लेटर लिख दिए थे, ईमेल किया था कि हमें जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या हमारे लिए कोई कंडीशंस हैं वो हमें बताएं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब गवर्नमेंट दोनों जगह से ऑलमोस्ट हर जगह पे कोई ना कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट है और पुलिस की सिक्योरिटी उसको समझिए या प्रोटोकॉल समझिए, पुलिस इज़ कोऑपरेटिंग, आर्मी इज़ कोऑपरेटिंग एंड वी आर नाउ ऑन द वे, हाफ वे वी हैव कम्प्लीटेड। तो अभी 5 दिन बाद ये यात्रा दिल्ली में कंक्लूड हो जाएगी। तो कैसे मैनेज कैसे होती है, इसकी पढ़ाई कैसे मैनेज होती है, कि या इसमें इसको और किस किस चीज़ों में दिलचस्पी है, क्या आपसे बातचीत होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता। नहीं, मेनली पढ़ाई ये अपनी मैनेज कर लेता है, और जब पहले भी इसकी जो 32 दिन की यात्रा थी तो इसके स्कूल के लोगों ने इसको एक कंडीशनल लीव दी थी कि इसका होमवर्क वगैरह हम कंप्लीट करें और इसके अलावा इसको कोई और छुट्टियाँ ना दी जाएँ। तो इसका इंटरेस्ट पढ़ाई के बाद, फिर ये साइकिलिंग में है और गेम्स में है, तो ये गेम्स में भी पार्ट प्ले कर रहा है, तो एक बैलेंस इसकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट वे ही इज़ मैनेजिंग इज शेड्यूल वेल अलॉन्ग विद स्टडीज़। बिल्कुल, आरव से भी एक बार बात करेंगे। आरव, आगे आपका क्या प्लान रहेगा, आगे भविष्य आपने सोचा है कि क्या आप करना चाहोगे या क्या बनना चाहोगे? मैं बड़ा होकर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि वे या तो देश की सेवा करें डिफेंस सर्विसेज में जाकर, या ओलंपिक्स में अच्छा खेलकर भारत का नाम रोशन करें। भारत के शहीदों को सच्चा नमन, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, ये थे 12 वर्षीय अरब, जिन्होंने बताया है कि वो इस समय जो यात्रा पर निकले हुए हैं जालंधर पहुंचे हैं, कल फिर सुबह से वो यात्रा करेंगे, चंडीगढ़ होते हुए करनाल होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिविल सर्विस में जाना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे और देश के लिए ज़रूर काम करेंगे। देश के बच्चों को भी उन्होंने संदेश दिया है कि आप भी देश के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और देश का नाम चमकाएं। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ, देवेंद्र कुमार जालंधर।